कि सदन 11 बजे शुरू होता है, पहला आदमी वो होते हैं जो बोलते हैं प्रश्नकाल बाधित करके, फिर सदन 2 बजे शुरू होता है, वो पहला आदमी होते हैं जो वित्तीय कार्य हो विधायी कार्य हो उसको रोक के वो बोलते हैं, और आसन हमेशा इजाजत देता है। हम लोग जानते हैं कि किस किस तरह की साजिशें चलती हैं बिहार को बदनाम करने, और कैसे कैसे लोग सामने आ रहे हैं, क्या क्या चीजें सामने आ रही है। सत्ता को, सत्ता के इशारे पर कहीं ना कहीं सदन को चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये माइक नीचे कर लीजिए, चोट लग जाएगा। ये किसी के कहने की बात है क्या? हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि इस बात पर आप लोग प्रश्न क्यों पूछते हैं। आप लोग तो देखते हैं कि सदन 11 बजे शुरू होता है, पहला आदमी वो होते हैं जो बोलते हैं प्रश्नकाल बाधित करके, फिर सदन 2 बजे शुरू होता है, वो पहला आदमी होते हैं जो वित्तीय कार्य हो विधायी कार्य हो उसको रोक के वो बोलते हैं, और आसन हमेशा इजाजत देता है। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि इतना के बाद भी ये कहना कि वो बोलने नहीं देते हैं, ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो हम लोगों से, ये तो हम लोगों से ज्यादा आप मीडिया के लोग देखते हैं कि किसको समय ज्यादा मिलता है। और जैसा कि हमने कहा कि सदन शुरू होता है उसके बाद पहला आदमी कौन बोलता है, प्रश्नकाल भी बाधित करके, प्रश्नकाल भी बाधित करके वही बोलते हैं, फिर शून्य काल का समय आता है 1 घंटे बाद वही बोलते हैं, फिर सदन भोजनावकाश में जाता है 2 बजे प्रारंभ होता है, फिर चाहे विधायी कार्य हो वित्तीय कार्य हो उसको रोक कर वही बोलते हैं। तो अब आप बोलिए इसके बावजूद अरे अच्छा एक बात कहिए, आप उनसे क्या, आप लोग उनसे उम्मीद क्या करते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करेंगे क्या? ऐसा तो हम लोग भी नहीं करते हैं। और अभी आप सब लोग जानते हैं कि किस किस तरह की साजिशें चलती हैं बिहार को बदनाम करने, और कैसे कैसे लोग सामने आ रहे हैं, क्या क्या चीजें सामने आ रही है, तो ये समझिए ना। और जहां तक चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या हमारे प्रतिपक्ष के कोई साथी हो, अगर विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, सवाल है कि कोई अपराध की घटना हुई ये तो जिक्र करते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर 36 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए, पुलिस की एफिशिएंसी ये न जानी जाती है। यूपी मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं, यूपी मॉडल। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।